नमस्कार, कविता की थाली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस उत्सव के शुभ अवसर पर आज हम लोग बनाने जा रहे हैं तिल और गुड़ के लड्डू। तो आइए देखते हैं इस आसान से रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन सारी चीजों की आवश्यकता है। मकर संक्रांति स्पेशल तिल और गुड़ के लड्डू बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए एक कटोरी सफेद तिल यानी व्हाइट सिसमे यानी के व्हाइट सिसमे सीड्स, एक कटोरी गुड़ यानी के जागरी, 3/4 कटोरी मूंगफली यानी के ग्राउंड नट, आधी कटोरी ड्राई कोकोनट यानी के सूखा नारियल, आधी कटोरी फ्राइड ग्राम यानी के भुना हुआ चना, थोड़ा सा घी और थोड़ा सा पानी। आइए अब हम लोग सफेद तिल, मूंगफली और सूखे नारियल को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं यानी कि भून लेते हैं। यहाँ पे गैस पे मैंने एक पैन चढ़ा के रखा है, इसके अंदर हम लोग तिल को भून लेंगे। तिल को हम लोग तब तक भूनेंगे जब तक इसकी कच्ची खुशबू चली नहीं जाती और तिल का कलर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता। मीडियम से लो फ्लेम में हम लोग तिल को भून रहे हैं। बस 2 से 3 मिनट तक हम लोग इसे भून लेंगे। तिल को भूनते हुए यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, इसकी कच्ची खुशबू चली गई है और कलर भी चेंज हो चुका है। बहुत ही बढ़िया ऐसा अरोमा आ रहा है। हम लोग इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी पैन में हम लोग भूनेंगे मूंगफली को। पैन यहाँ पे गरम है, हम लोग ने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसके अंदर हम लोग अब डालेंगे सूखे नारियल को। इसको ज्यादा भूनना नहीं है हमें, 2 मिनट के लिए हम लोग नारियल को भून लेंगे। हमने सारी चीजों को ड्राई रोस्ट किया है। यहाँ पे हमने भूनते वक्त ऑयल या घी का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया है, आप देख रहे हैं। अब इसी पैन में हम लोग डालेंगे 2 टेबलस्पून घी। घी को मेल्ट होने देंगे। घी यहाँ पे मेल्ट हो चुका है। अब हम लोग इसमें डालेंगे 1 कटोरी गुड़ और गुड़ को घी में मेल्ट होने देंगे। गुड़ यहाँ पे मेल्ट हो रहा है, आप देख रहे हैं। अब इस स्टेज पे हम लोग इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून पानी। और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और पूरी तरह से गुड़ को घी और पानी में मेल्ट होने देंगे। गुड़ यहाँ पे अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब हमारे ड्राई आइटम्स को हम लोग इसमें मिलाते जाएंगे। सबसे पहले मैं डालूंगी यहाँ पे तिल को। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही में हम लोग ऐड कर देंगे मूंगफली को। मूंगफली को मैंने यहाँ पे ठंडा करके उसके ऊपर का छिलका निकाल के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसको हम लोग इसी के साथ ऐड कर देते हैं। एक बार मिला लेंगे। साथ ही में हम लोग इसमें ऐड करेंगे भुने हुए चने को यानी के फ्राइड ग्राम को और भुने हुए सूखे नारियल को। सारी चीजों को हम लोग एक साथ मिला लेंगे। सारी चीजें यहाँ पे एक साथ मिक्स हो चुकी है। गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस मिश्रण के हम लोग छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा हाथ में पानी लगा लेंगे और इस मिश्रण को लेते हुए इसके छोटे छोटे लड्डू बना देंगे। ध्यान रखें मिश्रण बहुत ही गर्म है, लेकिन मिश्रण जब गर्म है तभी हमें लड्डू बनने हैं, नहीं तो मिश्रण ड्राई हो जाएगा। और एक प्लेट में हम लोग इसे रखते जाएंगे। इसी तरह से हम लोग सारे लड्डू बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा हाथ में पानी लगाते हुए हम लोग मिश्रण के लड्डू बना देंगे। आप चाहे बड़े साइज या छोटे साइज किसी भी साइज में लड्डू बना सकते हैं। अगर आपको लड्डू बांटते समय ऐसे लग रहा है कि मिश्रण यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई हो रहा है तो आप इसे एक और बार गर्म कर ले और फिर फटाफट से लड्डू बना ले। पे मेरा भी मिश्रण थोड़ा सा ड्राई हो चुका था, इसलिए मैंने यहाँ पे अभी और एक बार इसको गर्म करने के लिए रखा है। हाथ में पानी लगा लेंगे और
मिश्रण के लड्डू बांध लेंगे। एक कटोरी तिल में हमारे यहाँ पे 35 से 40 लड्डू बनकर तैयार है। मकर संक्रांति स्पेशल तिल और गुड़ के लड्डू यहाँ पे खाने के लिए तैयार है। आप भी इसे जरूर बनाएं और अपने मेहमानों को खिलाएं। अगर आपको आज की मेरी यह रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ऐसी ही एक और मजेदार रेसिपी के साथ मैं कविता की थाली में फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए हंसते रहें और खाते रहें। धन्यवाद।